दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इस दौरान सूजान में फंसे प्रवासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें लेकर काफी गंभीर नजर आए। प्रवासी राजस्थानियों को लाने की जिम्मेदारियां उन्होंने सौंपी है, क्योंकि लगातार इस पर निगाह उन्होंने बनाए रखी। राजस्थान फाउंडेशन कार्यालय ने हेल्पलाइन जारी की। आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली और राजस्थान फाउंडेशन के जयपुर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष होगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है, जिसको डायल कर इस पे बात की जा सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई वहां पर आपका करीबी फंसा हुआ है या फिर बातचीत करने की कोशिश इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए करना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। प्रवासी राजस्थानियों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। सूडान संकट को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं, गंभीर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जिम्मेदारियां भी सौंपी और ये दो टूक शब्दों में कहा कि एक भी प्रवासी राजस्थानी किसी भी सूरत में प्रभावित या परेशान उस स्थिति से नहीं होना चाहिए जो सूडान में दिनों बनी हुई है। फंसे हुए प्रवासियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर नजर आए। जिम्मेदारियां सौंपी गई, साथ ही नई दिल्ली और राजस्थान फाउंडेशन के जयपुर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी इसको लेकर बनाया गया। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाई जिस समय सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे थे और उनकी मंशा उनकी बातों के जरिए काफी हद तक स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने कह दिया था कि किसी भी प्रवासी राजस्थानी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।